हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुकीज खाना किसे नहीं पसंद है फ्रेंड्स, बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आज हम आटे की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कुकीज बना करके तैयार करेंगे, जिसे आप एक बार बना करके महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, और वो भी इडली स्टैंड में। तो चलिए फिर बनाएं आटे की बिस्किट। आटे की हेल्दी बिस्किट बनाने के लिए हमने आधा कप प्लस दो बड़े चम्मच देसी घी लिया है, और घी हमारा मेल्टेड नहीं है, आप चाहो तो बटर भी ले सकती हो, बिल्कुल इसी फॉर्म में लीजिएगा। अब हम इसमें आधा कप पिसा हुआ चीनी डालेंगे और एक विस्कर की मदद से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि मिक्सचर बहुत ही हल्का होता जाता है और बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है। तकरीबन हमने 9 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसका कलर और टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल वाइट कलर की हो गई है और हल्की सी फ्लफी फ्लफी भी दिख रही है आपको। बिल्कुल इसी टेक्सचर का आने तक आपको इसे मिक्स करना है, तभी हमारी बिस्किट ना बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होगी। अब हम इसमें एक कप गेहूं का आटा डालेंगे, एक चौथाई कप बेसन, एक चौथाई कप सूजी डालेंगे। इस बिस्किट को बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का यूज नहीं करना, हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो एक छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को धीरे धीरे करके अपने हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, हल्का सा लेकिन ये ड्राई ड्राई सा है। तो अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एक जगह पर हमने बिस्किट के डो को इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल इसी तरह का हो जाना चाहिए, और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गया है, सूजी हमारी फूल गई होगी। तो अब हम इसे कुकीज बना करके तैयार कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े साइज के कुकीज बना सकते हैं, मैं यहाँ पर मीडियम साइज के बनाऊंगी। तो नींबू से थोड़े से बड़े साइज का हमने पेड़ा काट करके तैयार कर लिया है, और इसे अपने हाथों से बिल्कुल चिकना बॉल बना करके चपटा करेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। अब बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए नाइफ से हम इसके ऊपर इस तरह से कट मार्क्स लगा लेंगे। हम इसे इडली स्टैंड में बना रहे हैं, तो इसके ऊपर कलर अच्छा सा है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा दूध से ग्रीस कर देंगे और बारीक कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता से हम इसे सर्व गार्निश कर देंगे। इससे हमारी बिस्किट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी देखने में। इसी तरह से सारे बिस्किट बना करके तैयार कर लेंगे। नाइफ से कट मार्क लगाने के बाद हम इसे दूध से हल्का सा ग्रीस कर देंगे। दूध इसके ऊपर आप जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो कलर अच्छा नहीं आएगा ऊपर से। दूध लगाने से कलर बहुत ही अच्छा आता है बिस्किट के ऊपर। सारे बिस्किट हमने बना करके तैयार कर लिए हैं, और देखिए ना ही तो ज्यादा मोटी है ना ही तो ज्यादा पतली है, बिल्कुल इसी तरह के बिस्किट बनाए। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इडली मोड ले लिया है, और इसमें एक कप नमक डाल करके नमक को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इससे बिस्किट अच्छे से कुक होती है चारों तरफ से। इडली मोल्ड डाल करके हम इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि बिस्किट चिपका ना रहे, और बिस्किट को डाल करके सेट करेंगे। दूसरा मोल्ड हम जो छेद है ना उसे दूसरी तरफ से रखेंगे, यानी कि उस दोनों के छेद की अलग उल्टा रखेंगे, और दूसरा में भी बिस्किट डाल करके गैस की फ्लेम को ऑन करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए अपने बिस्किट को बेक करेंगे। 25 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया, और देखिए बिस्किट हमारी अच्छे से कुक हो गई है, लेकिन इसके ऊपर कलर नहीं आया, लेकिन नीचे वाली बिस्किट के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो इसे निकाल करके दूसरे वाले को रख देंगे ताकि उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। 5 मिनट के लिए बिस्किट को ढक करके बेक करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। ढक्कन हटा करके बिस्किट को चेक कर लेती हूँ, और देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। बाकी बचे बिस्किट को भी ऐसे ही बेक कर लेंगे। इडली मोल्ड में हमने तेल लगा दिया था, इसलिए कुकीज बहुत ही आसानी से निकल जाती है, और कलर देखिए हमारी कुकीज के ऊपर कितना अच्छा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता नान खटाई बनकर के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, वो भी आटे की। चलिए एक बिस्किट में आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना। नीचे से भी देखिए कितना अच्छा कलर आया, मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, और इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना एकदम कमाल की, बिल्कुल बाजार में मिलने वाली नान खटाई जैसी ही। आटे की हेल्दी बिस्किट बनकर तैयार है,
और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर करके एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। बच्चों को भी टिफिन में दे सकती हैं या शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ मजे से इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।